तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, सब मजे में ना। देखो भाई, मार्वल्स की कई सारी सीरीज आ चुकी है लेकिन काफी दिनों से कोई मूवी नहीं आई है। और आपको जैसे पता है कि एमसीयू मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कितने फैंस हैं इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में यार। लेकिन अब फाइनली एंड गेम जो मूवी आई थी, उसके बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, उसके बाद मतलब वो जो टाइमलाइन सेट हुआ था, उसके बाद मार्वल्स के एक और मूवी आ रही है जो पूरी तरीके से सबकी वाट लगाने वाली है। हे गाइस, हाय, दिस इज शिव एंड स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव टॉकीज पे। थोड़ा बैकग्राउंड देख रहे होगे आप लोग, थोड़े चेंजेस है यार, ग्रीन स्क्रीन पे काफ़ी वीडियोस बना लिए, काफ़ी सारे शूट कर लिए। अब सोचा कि मेरा कंप्यूटर है, कुछ पिक्चर्स हैं तो उसको बैकग्राउंड में डालकर नॉर्मली वीडियो शूट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आते हैं अब सीधा टॉपिक पे और बात करते हैं मार्वल की आने वाली नई मूवी का, जिसका नाम है इटर्नल्स। मूवी का जो है टीजर आ चुका है और मैं ऑनेस्टली बात करूं भाई, ये टिपिकल मार्वल मूवीज जैसा तो नहीं लग रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मार्वल की मूवी है तो डाउन होगी, मतलब थोड़ा अलग थोड़ा डिफरेंट लग रहा है भाई टीजर। अगर आप लोगों को इटर्नल्स के बारे में नहीं पता तो पहले मैं वो बता दूं, क्योंकि भाई इटर्नल्स इससे पहले मार्वल्स की किसी भी मूवी में किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करा गया था। तो इटर्नल्स वो लोग हैं जो सुपर ह्यूमंस हैं और जिनके पास काफ़ी सारे सुपर पावर्स है। ऑफकोर्स यार, सुपर ह्यूमंस है तो सुपर पावर्स तो होंगे ही, और वो अर्थ में ही रहते हैं। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर वो लोग सुपर ह्यूमंस थे तो जब इतने सारे इंसिडेंट हुए, अल्ट्रॉन आया, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जब थैनोस का स्नैप हुआ, फिर एंड गेम, तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे, उस वक्त ये लोग मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए। वैसे टीजर में भाई एक जगह कहा भी गया है कि वी नेवर इंटरफेयर टिल नाउ। अब ये क्यों कहा गया है और ऐसा क्यों हुआ, क्यों आप लोग नहीं आए मदद के लिए, ये सारी जवाब तो भाई हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में जो स्टार कास्ट है भाई वो भी काफ़ी तगड़ी है। और एक जगह पे भाई एक हमारा टिपिकल बॉलीवुड मैरिज सीन भी दिखाया गया है गाने वानों के साथ माला वाला डाल के, तो वो देख कर भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। वैसे लगभग 2 मिनट का टीजर था, उसमें सिर्फ यार पावर से दिखाए गए हैं, किसी तरीके कोई एक्शन सीन्स दिखाया नहीं गया, ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए। वैसे तो भाई ये मार्वल की एकदम अलग तरह की मूवी है और इसमें नए स्टार कास्ट भी हैं, तो इससे कनेक्ट कर पाना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप लोगों को पता है भाई कि मार्वल अगर कोई मूवी निकाल रहा है तो भाई वो कुछ सोच समझ कर ही निकाल रहा होगा, और वो हम जैसे ऑडियंस को डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। मूवी के बैकग्राउंड में चल रहा जो बीजीएम है वो भी काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी मज़ा आया मुझे देखने में। बस थोड़े एक्शन सीन्स होते तो और भी मज़ा आता, मगर यार टीजर 2 मिनट का था और उसमें ये सब दिखाया गया। अगर ट्रेलर आएगा तो कम से कम 4-5 मिनट का ट्रेलर तो होना ही चाहिए। अगर 2 मिनट का टीजर डाला है आप लोगों ने, शायद उसमें कुछ एक्शन सीन्स दिखाया जाए और उसके बाद मूवी जब आएगी, वैसे मूवी नवंबर में आ रही है, तो मूवी जब आएगी तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि हाँ जितने भी राज थे क्यों नहीं आए, क्यों उन लोगों ने मदद नहीं करी इन्फिनिटी वॉर में, एंड गेम में, उस वक्त हमें वो सारी चीज़ों का पता लगेगा। वैसे तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मूवी जो है वो नवंबर के मंथ में रिलीज़ हो रही है इसी साल, और मूवी को थिएटर्स में रिलीज़ करने की बात चल रही है, और मार्वल की मूवी है भाई जो थिएटर्स में ही आनी चाहिए, है ना। लेकिन इसका मालिक तो भाई ना एमसीयू है और ना हम जैसे लोग, ये तो भाई पूरी पूरी कोरोना के हाथ में है। अब जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा डिसीजन आएगा या फिर मूवी आगे बढ़ जाएगी, ये तो पता नहीं। तो वेट करते हैं और दुआ करते हैं भाई कि मूवी जो है वो थिएटर्स में आए और नवंबर में ही आए इसी साल। वैसे मेरे तरफ से भाई टीजर को 3.5 stars out of 5। बाकी आपका क्या टेक है आप कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले मेरे आने वाले वीडियोज़ का, एंड फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।